नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और इस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत हमें देखना है मुख्य रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन को। नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखना है। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रोजन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन किस लिए इम्पॉर्टेंट है? नाइट्रोजन इसलिए, जैसे आप देखेंगे एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन, क्लोरोफिल की सिंथेसिस में नाइट्रोजन। इस तरह से आप ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में यहाँ पर ये काम कर रहा है। आज हम लोग इसी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखेंगे। आपको ये मालूम है कि स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, और ये नाइट्रोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे लेते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इन्हीं पर हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन यहीं से शुरू कर रहे हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरह से हो सकता है, किस किस प्रकार से हो सकता है, इसको हम एक आउटलाइन के द्वारा समझ लेते हैं। आउटलाइन के द्वारा अगर हम यहाँ पे देखें, एटमॉस्फेयर में देखिए, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पे देखिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, और किस मेथड से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, और किस मेथड से हो सकता है। आप ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे हमें आपको मालूम है कि आर्टिफिशियली यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल के माध्यम से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराएंगे। तो अब आप ये सोचिए कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नाइट्रोजन पहुँचेगा, और वह लिविंग ऑर्गेनिज्म मेन रूप से क्या होता है, प्लांट होगा। प्लांट से ही एनिमल उसको प्राप्त करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात यह है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान आपने ये देखा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो किस में बदल गया, अमोनिया में सबसे पहले बदलेगा, आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे। और इस अमोनिया के द्वारा आप ये देखेंगे अमोनिया का किस में, बताइए, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो नाइट्राइट में, और नाइट्राइट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में बदल जाएगा, नाइट्रेट में। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही देख लें, अमोनिया का यहाँ पर किस में फिक्सेशन हो रहा है, ये देखिए नाइट्रेट के रूप में हो रहा है। और ये जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कौन करेगा, ये कौन ले रहा है, एब्जॉर्ब या अपटेक बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे। प्लांट्स के द्वारा इसको कौन एब्जॉर्ब लेगा,
यहाँ पे देखिए, प्लांट से इसको एनिमल की बॉडी में पहुँचेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ये देखें एनिमल और प्लांट्स, ये दोनों क्या होते हैं, डेड हो जाएंगे। जब ये दोनों डेड हो जाएंगे तो आपको ये पता है इनकी डेड बॉडी में नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में है, फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन के रूप में है। प्रोटीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अमोनिया में अमोनीफिकेशन कहेंगे। एक आउटलाइन है केवल, ये अमोनीफिकेशन के द्वारा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अमोनिया बनेगा, अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट्स जो बना ये प्लांट लिया, आगे भी क्या प्रोसेस होती है, नाइट्रेट से क्या बनेगा, आप यहाँ पे देखिए नाइट्रेट का अब यहाँ पर डिनाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्राइट में होगा, और नाइट्राइट से फिर क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन कहाँ पे पहुँच जाएगी, एटमॉस्फियर में पहुँच जाएगी। देखिए ये एक सिंपल सी आउटलाइन की पूरे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे क्या, हमको देखना क्या है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। एटमॉस्फियर में जो नाइट्रोजन है हमारे लिए यही ज़रूरी है, इसी को हमको पढ़ना है, इसी के बारे में हमको जानना है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि एटमॉस्फियर में जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा। इसको फिक्स करने का काम प्लांट्स के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा ना। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन को किस में बदल दे रहे हैं, अमोनिया, नाइट्रेट, या ऐसे ही कह लीजिए नाइट्रेट में परिवर्तित कर दे रहे हैं। नाइट्रेट में अब ये प्लांट्स इसको ले लेंगे, फिर इससे एनिमल लेगा, और फिर दोनों डेड होंगे, प्रोटीन के रूप में पाया जाएगा, प्रोटीन का यहाँ पर विखंडन होगा और अमोनिया बनेगी, और इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन। ये तो केवल शॉर्ट में एक चीज़ आपको दिखा दी गई है, और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप इसमें चाहे इस तरह से कर लीजिए, ज़्यादा ये सही रहेगा। डायरेक्ट यहाँ पर हम दिखा दें, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जब इसका फिक्सेशन होता है तो नाइट्रेट के रूप में हुआ, और इसका यहाँ अमोनिफिकेशन हुआ, ये अमोनिया हो गया, ये अमोनिया में हो गया, फिर ये अमोनिया, ये देखिए ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, एटमॉस्फियर में नाइट्रोजन होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन से कंटैक्ट करेगा, NO बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, NO से फिर नाइट्रोजन परऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा, उसके बाद फिर नाइट्रिक एसिड बनेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल में आप जानते हैं कि आजकल आप देखिए नाइट्रोजन को किस रूप में, यूरिया के रूप में या किसी और रूप में हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम ये देख लें कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखिए ये किसके द्वारा होगा, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा। अब हमें देखना है कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है।
तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ पर आप ये देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आप इसको दिखा देंगे। एक होता है सिम्बियोटिक और दूसरा होगा ए सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक और ए सिम्बियोटिक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके अकॉर्डिंग। तो आगे देखते हैं, और भी हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिम्बियोटिक को देखें। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे देखिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आप ये जानते हैं, बेस्ट एग्जांपल राइजोबियम, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब हम ये देखें राइजोबियम, यहाँ पर सिम्बियोसिस, किसके किसके बीच सिम्बियोसिस होगा, राइजोबियम प्लस लेगुमिनस रूट्स, यहाँ पे जो एसोसिएशन हो रहा है, सिम्बियाटिक एसोसिएशन हो रहा है, वो राइजोबियम और लेगुमिनस रूट के बीच हो रहा है। अब जरा देखिए राइजोबियम क्या है, राइजोबियम अगर आप राइजोबियम को देखें तो ये सॉयल बॉर्न होते हैं, सॉयल में पाए जाएंगे। और आप ये देखिए, सपोज करिए कि ये लेग्यूम प्लांट है, ये लेग्यूम प्लांट है और इसकी ये रूट है और इसकी ये रूट हेयर है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाएं, ये इसकी रूट हेयर है, रूट हेयर, और ये देखें आप, ये देख रहे हैं ये क्या है, सॉयल पार्टिकल्स हैं और इन्हीं सॉयल में आप ये देखेंगे, इसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से फिलामेंटस, ये फिलामेंट लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये है राइजोबियम, ये हो गया, ये राइजोबियम हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या क्या बातें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए अगर हम इसको देखें कि ये रूट हेयर है, ये देखिए ये रूट हेयर है और ये सब सॉयल पार्टिकल्स हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पर आगे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, ये देखिए राइजोबियम फिलामेंट की तरह दिखाया गया, ये तो कुछ चीज़ें यहाँ ज़रूरी है, इसको देखिए रूट हेयर, इस रूट हेयर के द्वारा सिम्बियोटिक एसोसिएशन में आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि
कि इस रूट हेयर के द्वारा एक सबस्टेंस यहाँ से रिलीज होता है सॉयल में, और जो एक सबस्टेंस यहाँ से रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफान। क्या कहेंगे? ट्रिप्टोफान। वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीज कौन कर रहा है? रूट हेयर कर रहा है। तो अब आप ये देखिए कि जब इस रूट हेयर के द्वारा ये कंपाउंड ट्रिप्टोफान, आप जानते हैं अमीनो एसिड है एक प्रकार का, जब ये रूट हेयर के द्वारा रिलीज किया जाएगा तो इससे प्रेरित होकर के ये जो राइजोबियम है ये रूट हेयर में इंटर करना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये ट्रिप्टोफान इम्पॉर्टेंट हो गया फॉर इन्फेक्शन ऑफ रूट हेयर। इन्फेक्ट कौन कर रहा है इसको? राइजोबियम कर रहा है। जरा देखिए, राइजोबियम इसको इन्फेक्ट कर रहा है। ओके, अब हमें आगे देखना है कि यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम एक फिगर दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये रूट हेयर की टिप है, ये देखिए टिप ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर की ये टिप है। आप यहाँ पे देखें, राइजोबियम 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 राइजोबियम, इसके चारों ओर सॉयल है, सॉयल में राइजोबियम है, बट ये राइजोबियम यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से इंटर नहीं करते हैं। इसकी एंट्री यहाँ से नहीं होती है, इसकी एंट्री का स्थान केवल कौन है? रूट का टिप है, यहीं से ये एंट्री करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से राइजोबियम इंटर कर गया, ये देखिए ये, अब यहाँ से इन्फेक्शन हुआ। क्यों? उसका कारण यह है कि जो रूट की टिप है इस स्थान पर सेलुलोज की लेयर नहीं पाई जाती है, सेलुलोज की लेयर इस राइजोबियम के लिए इनहिबिटर का काम करती है, अवरोधक का काम करती है, इसलिए अन्य स्थानों से इसका एब्जॉर्प्शन या इसका इन्फेक्शन करिए आप नहीं हो पाता है। ये इन्फेक्ट कहाँ से करता है? रूट टिप से करेगा, रूट हेयर के टिप से कर गया। अब इसका इन्फेक्शन हो गया, अब किससे, किसके कारण? ट्रिप्टोफान। अब ये राइजोबियम क्या कर रहा है? देखिए राइजोबियम क्या कर रहा है, इस राइजोबियम आगे देखिए, राइजोबियम ने प्लस ट्रिप्टोफान, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिप्टोफान की मेटाबॉलिज्म हो रही है, ऐसे ही समझ लीजिए ट्रिप्टोफान की मेटाबॉलिज्म हो रही है। और इस मेटाबॉलिज्म के दौरान यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, एंडॉल एस्टिक एसिड, और इसको आप किस नाम से जानते हैं, ऑक्सिन के नाम से भी जानते हैं। तो इंडॉल एस्टिक एसिड का फार्मेशन यहाँ पर हुआ। फार्मेशन कौन कर रहा है? राइजोबियम ने किया। कहाँ पे किया? अब आप ये देखिए कहाँ पे किया, रूट हेयर से होकर के, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये रूट हेयर, रूट हेयर से ये कौन सी सेल, कॉर्टिकल सेल, ये देखें ये कॉर्टिकल सेल। अब जरा देखिए ये राइजोबियम इंटर कहाँ किया,
कार्टिकल सेल में इंटर किया, ये देखिए जब यहाँ पर कार्टिकल सेल में ये पहुँचा, इंडॉल एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। इंडॉल एस्टिक एसिड क्या करेगा, जिस ध्यान दीजिएगा, जिस यहाँ पे देखिए ये अलग से मैं करके दिखा रहा हूँ, जिस सेल में राइजोबियम है उस सेल में सेल डिवीजन, यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन फास्ट हो जाएगा, तेज़ी से यहाँ पर सेल डिवीजन हो जाएगा, और सेल डिवीजन जब होगा तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर इस जगह पर ज़्यादा हो जाएंगे, और आप ये देख रहे हैं इस प्रकार से नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर ज़्यादा हो गए। यहाँ पर ये सब राइजोबियम का ये है, ये इस प्रकार से राइजोबियम आपको दिखाई देगा, बैक्टीरियल सेल्स के रूप में दिखाई देगा, ये इस तरह से, ये देखिए सब इन्फेक्टेड जो है सेल है ये जिसमें ये सेल डिवीजन प्रेरित किया गया, और जब इन सब सभी सेल्स में इंडॉल एस्टिक एसिड के कारण सेल डिवीजन फास्ट हुआ तो इस जगह की जो सेल्स होती हैं ज़्यादा सेल डिवीजन की, और आसपास की सेल में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, जिसके कारण एक निश्चित एरिया में एक गांठ या नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब यही क्या बना देगा, नोड्यूल। किसका फॉर्मेशन कर दिया, नोड्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, कार्टिकल रीजन में हो रहा है। ये कौन सा रीजन है, ये कार्टेक्स का भाग है, ये कार्टेक्स का भाग है। कार्टेक्स भाग में यहाँ पर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब इस सेल में ध्यान दीजिएगा, जब इस सेल में सेल डिवीजन होता है तो आप ये देखेंगे कि क्रोमोसोम का यहाँ पर बंटवारा नहीं हो पाता। यहाँ पर ये कार्टिकल सेल है, कार्टिकल सेल में क्रोमोसोम की संख्या 2n पाई जाएगी, और सभी में 2n पाई जाएगी, लेकिन जिसमें राइजोबियम पाया जा रहा है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आप यहां देखेंगे 4n होगी, या टेट्राप्लॉयड होती है। इस बात को आप जानिएगा, नोड्यूल सेल्स, नोड्यूल सेल्स में यहां पर जो प्लॉयडी होगी वो टेट्राप्लॉयड होगी, और कार्टिकल जो सेल्स होती हैं, दूसरी जो कार्टिकल सेल्स होंगी यहां पर क्रोमोसोम की जो नंबर होगी वो डिप्लॉयड होगी, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, प्लॉयडी क्रोमोसोम वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बात हो गई। कौन कौन सी, राइजोबियम एंट्री कहाँ से करेगा, टिप ऑफ द रूट हेयर से एंट्री करेगा, किसके कारण अट्रैक्ट हो रहा है, ट्रिप्टोफान कौन रिलीज कर रहा है, रूट हेयर के द्वारा। जब यहाँ पर ट्रिप्टोफान का मेटाबॉलिज्म होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा, राइजोबियम के द्वारा। किसकी सिंथेसिस होती है, इंडॉल एस्टिक एसिड की सिंथेसिस होती है, और ये इंडॉल एस्टिक एसिड कार्टिकल जो सेल्स होते हैं उस कार्टिकल सेल्स में यहाँ पर सेल डिवीजन को प्रेरित करते हैं, और उस सेल डिवीजन के दौरान आप ये देखेंगे कि यहाँ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनमें, जहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स होंगे, और वो सेल्स किसकी होंगी, नोड्यूल सेल्स होंगी। तो नोड्यूल सेल्स में प्लॉयडी जो पाई जाएगी वो टेट्राप्लॉयड पाई जाएगी, और इन सेल में जो राइजोबियम पाया जाएगा उस राइजोबियम को हम बैक्टीरिया ना कह करके, ये अजीब स्ट्रक्चर इनकी दिखती है, इनको हम बैक्टीरायड कहते हैं। क्या कहेंगे, बैक्टीरायड कहते हैं। इतनी बात हो गई। अब आगे देखिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है। राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पर हम ये देखें, ये नोड्यूल सेल, रूट नोड्यूल सेल, रूट नोड्यूल सेल, ठीक है। और इसी में ये हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, ये बैक्टीरायड कौन है, राइजोबियम, ठीक है, यहाँ पे पाया जा रहा है। अब जिस कार्टेक्स सेल में राइजोबियम या बैक्टीरायड पाए जाएंगे, इसकी उपस्थिति के कारण रूट नोड्यूल की सेल्स स्टिमुलेट होती है, जीन प्रेरित होता है, और वह प्रेरित जीन एक पिगमेंट की सिंथेसिस करता है। इस पिगमेंट को हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन, क्या कहेंगे, लेग हीमोग्लोबिन कहेंगे। और ये लेग हीमोग्लोबिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह इसमें जो एक मेटल होता है वो क्या होता है, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम कंटेनिंग पिगमेंट लेग हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर आप देखिए कि लेग हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस यहाँ पर हुआ, और इसलिए ये जो रूट नोड्यूल है ये किस कलर का हो जाएगा, डार्क ब्राउन या आप कहिए पिंक कलर का ये दिखेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। और इस बैक्टीरियोइड की प्रेजेंस के कारण इस सेल में जब लेग हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस प्रेरित हुई, जब जीन स्टिमुलेट हुआ, तो जीन क्या है, ये डीएनए है। और ऐसे ही हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये डीएनए है, इस डीएनए का ये पार्ट है, फिर ये पूरे डीएनए का ये पार्ट है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि ये जीन का एक पार्ट है, इस जीन को हम निफ कहेंगे, और यही निफ जीन किसकी सिंथेसिस करेगी, लेग हीमोग्लोबिन। ये तो लेग हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करने वाला जीन जो है निफ जीन कहलाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, लेग हीमोग्लोबिन क्या इम्पोर्टेंस, हीमोग्लोबिन जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर होता है, वैसे यहाँ भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस एटमॉस्फेयर में यहाँ पर जो ऑक्सीजन, इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन यहाँ पर है मुक्त है, उस ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, पकड़ लेगा, कंबाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कैरियर का काम करेगा, और बैक्टीरिया के एटमॉस्फेयर के चारों ओर हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर हुआ, तो उस ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेग हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर क्यों होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, ये हमें देखना है। ये देखिए यहाँ पर इस हम बैक्टीरियोइड को, इस बैक्टीरियोइड को हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए ये बैक्टीरियोइड है, ठीक। अब यहाँ पर इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर में अगर सपोज करिए कि नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखें
एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो इंटर करेगी, इंटर कर गई, और इंटर करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक एंजाइम होता है जिसको हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहेंगे। ये नाइट्रोजन सपोज करिए ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे आ गया, ये आया नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ से इसका रिडक्शन किया गया, इसको नाइट्रोजन किसने रिड्यूस किया, क्या बन गया, अमोनिया बन गया, और इसको क्या चाहिए, इसके रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एटीपी, जो कि इसकी बॉडी में सिंथेसिस होता है एटीपी, तो एटीपी की प्रेजेंस में इसने क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया, और यही क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। आगे और प्रोसेस होती है, हम और पढ़ेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर की जो फ्री ऑक्सीजन थी उस फ्री ऑक्सीजन को इसने क्या कर, सॉरी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन था वो जब इसकी बॉडी में इंटर किया, इस फ्री नाइट्रोजन को इसने रिड्यूज कर दिया, और रिड्यूज के लिए, रिडक्शन के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम है वो नाइट्रोजिनेज है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अमोनिया से आप समझ जाइए कि यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और ये जब ग्लूटामिक एसिड बन गया, अब आगे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये क्या है, एमिनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन आगे होता चला जाएगा। तो ये हम देखते हैं, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजिनेज, क्यों यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ी, ये एडाप्टेशन क्यों यहाँ पर आया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, मोर सेंसिटिव होता है। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन होता तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम इनएक्टिव रहता, और एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वह अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, और यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है। इस प्रकार से इस बैक्टीरिया की बॉडी में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है एक प्रकार से एरोबिक नहीं है, वो कैसा है, एन एरोबिक है, यहाँ पर ये एन एरोबिक कंडीशन हो जाएगी। बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगली इंपॉर्टेंट बात, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज मोर सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति कौन सा एंजाइम बहुत सेंसिटिव होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजिनेज, तो मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति ये बहुत सेंसिटिव होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए यहाँ पर जरूरी होता है लेग हीमोग्लोबिन। ये बात इंपॉर्टेंट है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सी मेटल पाई जाती है, मॉलिब्डेनम पाया जाता है, ये भी पूछा गया है, तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नोड्यूल सेल की जो नोड्यूल सेल्स जो होते हैं उसमें प्लॉयडी कौन सी पाई जाती है, फोरियन या टेट्राप्लॉयड पाई जाती है, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये रहा एक एग्जाम्पल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत सिम्बियाटिक, जो कि बहुत फेमस है राइजोबियम का। अब हम ये देखें कि कुछ और एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनका भी हम देख लें। जैसे ये तो लेगुमिनस प्लांट और राइजोबियम का एसोसिएशन था, अब यहाँ पर जैसे सिस्बेनिया प्लांट है का यहाँ पे स्टेम होता है, वहाँ पर नोड्यूल पाया जाता है, ये स्टेम नॉट रूट, प्लस यहाँ पे कौन होगा, एरो राइजोबियम के साथ यहाँ पर इसका
एसोसिएशन होगा, एरो राइजोबियम के साथ एसोसिएशन होगा, कैजुराइना का नाम आपने सुना है, कैजुराइना एंड रूबस ये प्लांट हैं, इनकी लीफ में नोड्यूल पाया जाता है, ये लीफ में नोड्यूल पाया जाता है, और ये किसका एसोसिएशन होता है, फ्रैंकिया का एसोसिएशन होता है। तो इस प्रकार से आप ये कुछ एग्जांपल और जानते रहेंगे, ये पूछा जाता है। ओके, किसके किसके साथ एसोसिएशन है, ये हो गया, ये नॉन लेगुमिनस प्लांट है और रूट नोड्यूल के अलावा कहाँ लीफ है, कहाँ स्टेम है, स्टेम नोड्यूल बन रहा है, उसका एग्जांपल याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ें तो ये देखें कि क्या होगा, ए सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कल तक ये फिनिश हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस पर डिस्कस करेंगे, फोटोपीरियडिज्म पर डिस्कस कर लेंगे, प्लांट हार्मोन्स पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि फिजियोलॉजी फिनिश हो जाएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये दो लेक्चर में पूरा फिनिश हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ए सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जाम्पल पूछा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, ए सिम्बियाटिक में फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर हम बैक्टीरिया के रूप में ले रहे हैं, किसी के साथ यहाँ पर एसोसिएशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया को हमने लिया, बैक्टीरिया में क्या हो गया, जैसे क्लास ट्रीडियम हो गया, रोडोस्पाइरिलम हुआ, क्लास्ट्रीडियम हो गया, रोडोस्पाइरिलम हुआ, बिजरिंकिया हुआ, बिजरिंकिया हुआ, ये सब कैसे हैं, बैक्टीरिया हैं। ये कैसा है, यहाँ पर देखिए, क्लास्ट्रीडियम, रोडोस्पाइरिलम, ये कैसा होता है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक, तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे, क्लास्ट्रीडियम, रोडोस्पाइरिलम, बिजरिंकिया, ये बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर रहे हैं, और वो भी क्या है, एसिम्बियाटिक बैक्टीरिया के रूप में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बीजीए को देखें तो आप ये जानते हैं, नास्टॉक, एना, बेना, ये दो बहुत फेमस हैं, ये दोनों बहुत फेमस हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि दो ये मेजर हैं, फंजाई में नोडुलेरिया वगैरह भी पाए जाते हैं ये, लेकिन मेजर है, ईस्ट भी जो है करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन सबसे मेजर यही है, इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत हमने सिम्बियाटिक और एसिम्बियाटिक देखा, इसके अलावा हम ये देख सकते हैं और भी पाए जाते हैं, और भी प्रोसेस पाई जाती है, जैसे यहाँ देखिए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं, एक तो आप जान लीजिएगा सभी कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, ये बात इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्लास्ट्रीडियम क्या है, एनएरोबिक है, ये क्या है, एरोबिक है। अब यहाँ पे आप देखिए,
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये अगर हम देखें तो दो तरह के होंगे। ठीक, यहाँ पर हम देखें क्या होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोसेस में एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड का डिके या डिसइंटीग्रेशन होता है, किसमें होगा, अमोनिया में होगा, फिर जा कर के अमोनिया का किसमें, नाइट्राइड में, और फिर जा कर के नाइट्राइड का किसमें, नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। ये प्रोसेस होती है, ये चीज़ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड का अमोनिया में जब यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होता है तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, अमोनीफिकेशन। ये सब भी पूछा जाता है कि अमोनीफिकेशन क्या है। अब जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का नाम पूछ दिया तो बहुत फेमस बैक्टीरिया जैसे बैसिलस, ये बहुत फेमस बैक्टीरिया बैसिलस है, और भी होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पर बैसिलस होता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा, ये प्रोसेस याद रखिएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी, ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। तो हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में देख रहे हैं, तभी यहाँ से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। यहाँ पर जब अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रिफिकेशन में, ये देखिए पहला स्टेप क्या होगा, अमोनिया होगा। अमोनिया का अब यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित है, और जब ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित है, जिसकी उपस्थिति में जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, ये कोई भी बैक्टीरिया हो, ये एग्जाम्पल केवल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसने क्या बदल दिया, HNO2 में प्लस यहाँ पर एनर्जी निकलेगी, पानी भी निकलेगा। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ एनर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ये देखें इसका जो सेकंड स्टेप होगा आगे होगा, इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्राइट, ये नाइट्राइट हो गया। फिर यहाँ हमने देखा कि HNO2 प्लस ऑक्सीजन, अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, जब ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोबैक्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोबैक्टर, इसने क्या किया, ये HNO3 या क्या नाइट्रेट में इसका परिवर्तन कर दिया प्लस एनर्जी। ये तो ये नाइट्रेट में परिवर्तन हो गया। अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन इसी नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, नाइट्रेट के रूप में होता है। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तो प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो स्टेप में जा करके नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किस टाइप के हो गए, एरोबिक हैं, और इनसे ये क्या प्राप्त कर रहे हैं, एनर्जी। और आप ये देखिए इस एनर्जी का उपयोग ये अपने भोजन की सिंथेसिस में करेंगे, किसमें, भोजन की, कार्बोहाइड्रेट वगैरह के सिंथेसिस में करेंगे। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए ये एक प्रकार के कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया के अंतर्गत आएंगे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, किस तरह के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। चलिए आगे बढ़ें,
तो यहाँ पर आपने देखा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अब एक इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान एक स्टेप और होता है जिसको हम कहते हैं डी नाइट्रीफिकेशन। डी नाइट्रीफिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही है HNO3 का रिडक्शन किस में हुआ, HNO2, फिर इसका रिडक्शन किस में हुआ, इसका रिडक्शन नाइट्रोजन में हो गया, और ये नाइट्रोजन कहाँ पे चली गई, एटमॉस्फियर, कहाँ पे आ गई, एटमॉस्फियर में आ गई, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें आपको मैं एग्जांपल बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जैसे बैसिलस, स्यूडोमोनास, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है स्यूडोमोनास। अब यहाँ पे देखिए कि जब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर नाइट्रेट का नाइट्राइट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, और यहाँ पर क्या होगा, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर होगा। इन दोनों को मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है, इसमें जो मेटल पाया जाता है वह मॉलिब्डेनम होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से जो यहाँ पर नाइट्राइट रिडक्टेज है इसमें क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर इस एंजाइम को मेंशन किया हूँ। तो आप यहाँ पर इन बातों को जरूर याद रखिएगा, नाइट्रेट रिडक्टेज मॉलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम एंड नाइट्राइट रिडक्टेज कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन के दौरान हमने ये देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिया था और एमिनो एसिड की सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस में, अन्य क्लोरोफिल की सिंथेसिस में उनका उपयोग हुआ था, जब उनके पार्ट डेड और डिके हो गए या वो डेड हो गए, तो फिर इसका डीनाइट्रिफिकेशन के दौरान वह नाइट्रोजन पुनः एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ये रिसाइकिल हो जाती है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब आप इलेक्ट्रिकल में क्या देखेंगे, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन मिलेगा, NO बनेगा, NO से फिर ऑक्सीजन मिलेगा, NO2 बनेगा, NO2 से फिर यहाँ पानी से अभिक्रिया होगी, HNO3 बनेगा, HNO3 रेन वाटर के साथ कहाँ पे चला आएगा, पृथ्वी पर चला आएगा, और उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड रेन भी कहते हैं, और फिर वो कैल्शियम और पोटेशियम किसी से अभिक्रिया करेगा तो उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो मेटल नाइट्रेट के रूप में वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एक ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन प्लस क्या होगी, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर इसके बाद NO प्लस ऑक्सीजन हुआ, NO2 बना, फिर NO2 है, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी या पानी है, इसने क्या बनाया, HNO3 बनाया, ये आया किस रूप में, आया एसिड रेन के रूप में, आया कहाँ पे, आया पृथ्वी के संपर्क में या सॉयल के संपर्क में आया, और फिर HNO3 प्लस यहाँ पे कैल्शियम अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, आप ये देखेंगे कि कैल्शियम
नाइट्रेट हो जाएगा और ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब्ड ठीक बाई प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस रूप में नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक, ये सिंपल। अभी इसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कैसे एमिनो एसिड की सिंथेसिस हो रही है, कौन कौन सी प्रोसेस है जो इसमें इन्वॉल्व है, वो अब हम कल डिस्कस करेंगे। एक टर्न इसमें और लगेगा। थैंक यू, आज का काम यहीं पे फिनिश हो गया। चलिए।